कैसे हम अपने मैनिफेस्टेशन को नेचर के साथ कनेक्ट करके 10x कर सकते हैं, एक्सपेडाइट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं आज। लास्ट तक देखिए। नमस्ते, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहां लाइफ के हर एक एरिया, फाइनेंस, करियर, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप में कैसे हम राइज और शाइन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे नेचर से कनेक्ट करके हम अपने मैनिफेस्टेशन को 10x कर सकते हैं, हम कैसे उसको फास्ट कर सकते हैं और बहुत इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। हम सबको पता है कि नेचर हमारे वेलबींग के लिए बहुत ही अच्छा है। नेचर बहुत सूदिंग है, बहुत कामिंग है, रिलैक्सिंग है। नेचर में टाइम स्पेंड करके हम सबका स्ट्रेस कम हो जाता है, हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, एक अंदर से एक बहुत ही काम सा, सरीन सा फीलिंग आता है। नेचर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक बैलेंस, एक हार्मनी, एक वेल बीइंग। नेचर में हर एक चीज़ एकदम बैलेंस्ड आउट है। वहाँ पे पहाड़ है, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, खेत है, कल्याण है, सब कुछ है। नेचर जो है वो एक फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे नदियाँ हैं वो चलती चली जा रही है, जो एक एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं, हवा है जो हर तरफ सर्कुलेट करे, ये सब कुछ जो है एक बैलेंस, एक फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और यही सब कुछ चाहिए हमें हमारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए, बिकॉज नेचर रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट बैलेंस एंड अ परफेक्ट हार्मनी। जब हम नेचर से कनेक्ट करते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस, एक हार्मनी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक एनर्जी फ्लो के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है। नेचर में बैठ के जब हम माइंडफुलनेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट 10x होता है। माइंडफुलनेस एक बहुत पावरफुल टूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करने के लिए, सो दैट हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो सके, हमारा ब्लूप्रिंट चेंज हो और अपनी लाइफ में हम नए एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट कर सके। जब हम नेचर में मैनिफेस्टेशन करते, माइंडफुलनेस करते हैं, जब हम नेचर में एक वॉक लेते हैं या हम नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं और हम नेचर में जब प्रेजेंट हो जाते हैं और हम उस मोमेंट को जब फील करते हैं, आसपास हमारे क्या हो रहा है, वो जो भी हमारे अंदर वो आवाज़ें हैं उनको सुनते हैं, वो झरने की आवाज़ हो, वो किसी पक्षी की आवाज़ हो, वो दूर में किसी बटरफ्लाइज की आवाज़ हो, या हम नेचर के जब कलर्स देखते हैं, जब हम नेचर के स्मेल को करते हैं, हम नेचर में जब एकदम अपने आप को इमर्स करते हैं अपने सारे सेंसेस को, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। हमारे जो है वो सारा स्ट्रेस जो है हमारा रिलीज होता है, हमारे इमोशंस हाई हो जाते हैं, हमारे वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं, हमारा दिमाग एकदम डीक्लटर हो जाता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं, हम एक कूल काम स्टेट में आते हैं और एक हम नेचर के हार्मनी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो हमारे मैनिफेस्टेशन को 10x कर देता है। सिमिलरली हम जब नेचर में बैठ के विजुलाइजेशन करते हैं, जो हमारा अगेन एक दूसरा टूल है मैनिफेस्टेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल, जब हम नेचर में बैठ के अपने गोल को, अपने एज इफ स्टेट को विजुलाइज करते हैं, तो वो हमारे विजुलाइजेशन पावर को सुपर चार्ज कर देता है। हमारे सारे इमोशंस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा दिमाग एकदम डीक्लटर होके बिल्कुल फोकस हो जाता है हमारे उस विजुलाइजेशन सीन में, सारे हमारे दिमाग का स्ट्रेस खत्म हो गया होता है, हम बहुत कूल काम रिलैक्स्ड होके अपने उस मोमेंट में विजुलाइज करते हैं और वो हमारे मैनिफेस्टेशन को 10x कर देता है। सिमिलरली नेचर से हमें एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है। जब हम नेचर को देखते हैं तो नेचर हमें सिखाता है कि कैसे नेचर कितना सेल्फलेस होके हमें देता ही रहता है। बस वो पक्षी हो, वो पेड़ हो, वो जो है वो सन हो, वो हवा हो, वो एटमॉस्फेयर हो, जो भी हो, नेचर सिर्फ देता है, हमसे कुछ भी लेता नहीं है। वो पानी हो, वो फूल हो, वो पत्ते हो, वो पौधे हो, वो कुछ भी हो, नेचर सिर्फ देना जानता है। तो जब हम नेचर को देखते हैं तो एक थैंक यू वाला फीलिंग आता है, एक बहुत ग्रैटिट्यूड वाला फीलिंग आता है, एक बहुत पॉजिटिव वाला फीलिंग आता है और ये भी हमारे वाइब्रेशंस को हाई करता है, हमारे मैनिफेस्टेशन को सुपरचार्ज कर देता है। नेचर हमको अबंडेंस सिखाता है।
जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत पावरफुल पिलर है कि लाइफ में हर चीज़ अनलिमिटेड है। नेचर ही हमें अबंडेंस का कॉन्सेप्ट सिखाता है। आप नेचर के पास जाइए, उसमें पत्ते अबंडेंट हैं, पेड़ अबंडेंट हैं, इंसेक्ट्स अबंडेंट हैं, बटरफ्लाइज अबंडेंट हैं, हवा अबंडेंट, स्काई इतना बड़ा, पत्थर अबंडेंट। नेचर हमको दिखाता है कि दुनिया कितनी विशाल है, रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं, कितना कुछ अनलिमिटेड अवेलेबल है और वो आपको भी मिल सकता है। अबंडेंस का भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें नेचर ही सिखाता है। अब नेचर के क्या प्रैक्टिसेस हैं, नेचर से कनेक्ट करने वाले जो आप कर सकते हैं अपने लाइफ के, अपने मैनिफेस्टेशन को 10x करने के लिए, आप नेचर में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम सुबह उठ के या जब भी नेचर में बैठते हैं और पीछे हल्के हल्के पक्षियों की आवाज़ आती है, सन रेज हम पे पड़ता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती, हमारे सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और तब हम एक ईजली मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। और मेडिटेटिव स्टेट में जब होते हैं तभी हमारे सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट्स की रीप्रोग्रामिंग होती है जो हमारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा करती है। तो नेचर में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नेचर में एक ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हैं कि आप जब नेचर में जा रहे हैं आप नेचर को ऑब्जर्व करें और हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलें जो नेचर के पास है। इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें। आप नेचर में बैठ के योगा कर सकते हैं, अपने सारे एनर्जी जो भी आपके ब्लॉक्स हैं जब आप योगा करते हैं वो क्लियर आउट होते हैं। आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, जब भी हम ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी ब्लॉक्स हैं जो हमारे मैनिफेस्टेशंस को रोक रहे हैं वो भी क्लियर आउट होते हैं। आप नेचर में एक साइकिलिंग कर सकते हैं, नेचर में वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या सिर्फ बैठ के अपनी जर्नलिंग कर सकते हैं। इतना कूल, काम, रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर नेचर लेके आ जाता है कि हमारे अंदर एक हार्मनी आ जाती है, हमारे वाइब्रेशंस अपने आप हाई हो जाते हैं, हमारा दिमाग डीक्लटर हो जाता है, हमारा स्ट्रेस लो हो जाता है, हमारा हैप्पीनेस हाई हो जाता है, हमारे इमोशंस हाई हो जाते हैं, वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं और हमारा मैनिफेस्टेशन जो है वो 10x हो जाता है। तो अपने मैनिफेस्टेशन को 10x करने के लिए आप नेचर से कैसे कनेक्ट करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले मुझे ये भी ज़रूर लिखें। ये भी लिखें आप ऐसे और कितने वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप, और मुझे ये भी ज़रूर लिखें आप ऐसे और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। डेफिनेटली आई विल मेक दोज वीडियोस फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, किसी एक को ये ज़रूर ऐसा वीडियो भेजें जिसको शायद आज ये देखने की ज़रूरत है। टिल वी मीट नेक्स्ट, दिस इज प्रियंका अभिजीत साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा बाय बाय।